नमस्कार, बिहार लाइव नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए, आज न दिवाली है न किसी नेताजी की जीत की खुशी। तस्वीर देख सकते हैं इस तरह, तस्वीर जहां पर फटाखे फूट रहे हैं। ये फटाखे किस लिए फूट रहे हैं, ये फटाखे किस लिए फूट रहे हैं, आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाएंगे। इस तरफ की तस्वीर अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, एक बच्चे का रिजल्ट आया है, बच्चे का रिजल्ट आया है, जिसके वजह से यहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही है। आप ये कह ले कि आज न ही दिवाली है और न किसी नेताजी की जीत की खुशी, ये खुशी बच्चे का रिजल्ट को लेकर है। बच्चे का रिजल्ट आया है, सबसे पहले चाहेंगे कि इस तरफ की तस्वीर दिखाइए। ये पूरी तरह से तस्वीर देखिए, बच्चों का तस्वीर है। वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल, यहाँ पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और इन सभी चीज़ों की तैयारी कराई जाती है, जिसको लेकर अब एक रिजल्ट आया है। एक रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही है और यहाँ पर उसी हॉस्टल के स्कूल के बच्चे यहाँ पर आपको साफ तौर पर दिख जाएंगे। बच्चों में काफ़ी खुशी है। एक स्वर्यदीप नाम के बच्चे जिनका रिजल्ट आया है, यहाँ के जो सर है उनसे जानेंगे जो खुशी मना रहे। सर, हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, है ना, क्योंकि दिवाली और छठ तो बीत गया है, लेकिन वास्तव में मानिए तो दिवाली और छठ आज ही हम लोग के लिए है, क्योंकि आज हमारे बच्चों का रिजल्ट आया है, है ना। आरके मिशन पुरुलिया का महत्व किन्हीं को बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग उसके महत्व को बहुत अच्छे से जानते हैं। और इतने महत्वपूर्ण एग्जाम में हमारा बच्चा जितना अच्छा किया है, हम लोग जितने अव्वल रहे हैं, हर साल की भांति इस बार भी हम लोग रिजल्ट दिए हैं, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, है ना। और इसका सारा सारा श्रेय हमारे वरदान के टीम, जो हमारे अविनाश सर हैं, रत्नेश सर हैं, सिद्धार्थ सर हैं या हम हैं, और हमारे ये बच्चे हैं, है ना। अभी आप देख सकते हैं कि खुशी अभी भी कम नहीं है, अभी सेलिब्रेशन और होना है, है ना, सेलिब्रेशन और होना है, बहुत लंबा होना है। हम चाहेंगे कि आप लोग उसको भी थोड़ा सा फोकस करें, है ना, लेकिन हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा और हम लोग ऐसे ही रिजल्ट आगे भी देते रहें, है ना। यही हमारा बच्चा है। सौर्यदीप से बात करेंगे, सौर्यदीप जिनका रिजल्ट आया है, छोटा सा बच्चा, और देखिए कि 10 साल, 10 साल, कितने साल का उम्र हो? 10 साल। 10 साल, और समझ लीजिए कि पूरे इंडिया में जो रिजल्ट आया है, 18 बच्चे में से एक ये भी बच्चा है जो इसका रिजल्ट आया है, जिसको लेकर खुशी पूरी तरह से मनाई जा रही है। और यहाँ पर देखिए, पूरी तरह से ये वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल के सभी बच्चे हैं, और यहाँ पर ये हॉस्टल है, हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, और यहाँ पर अभी भी जश्नों का माहौल है। पूरी तरह से आप ये कह ले जश्न का माहौल अभी भी है। सौर्यदीप से बात करेंगे, सौर्यदीप कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। चाहेंगे कि एक बार फिर से पीछे कैमरा करके दिखाएं, हमारे सहयोगी चाहेंगे कि अभी भी देखिए खुशी इतनी कि अभी भी फटाके की गूंज जो है वो आपको सुनाई देंगी। फटाके का गूंज अभी भी कम नहीं रहा है और बच्चों में काफी ज्यादा हर्षोल्लास है। सौर्यदीप से बात करेंगे, सौर्यदीप की तैयारी कैसी हुई है, सौर्यदीप ने क्या क्या लगा तैयारी करने के लिए। सौर्यदीप एक फटाका के बीच जरा शॉट ले लीजिए, देखिए नीचे से नीचे और ऊपर वाले फटाका यहाँ पर पीछे जाओ फोड़े जा रहे हैं, और काफी ज्यादा यहाँ पे जो तैयारी होती है वरदान प्रे पब्लिक स्कूल में, कैसी तैयारी होती है, क्योंकि पूरे अगर भारत की बात करें तो 18 रिजल्ट में से तुम्हारा भी रिजल्ट है, कितनी खुशी है? खुशी तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि पूरे इंडिया में सिर्फ 18 सीट था जिसमें से एक सीट मेरा है, और यहाँ पे जिस तरह से तैयारी कराई जाती है, यहाँ पे यहाँ से रिजल्ट आना हर साल कंफर्म रहता है। बहुत अच्छा, हम बिल्कुल आना चाहेंगे अभिषेक जी कि यह जो बच्चा है, यह हमारे यहाँ लॉकडाउन में इसका एडमिशन हुआ था, ये क्लास 2 या 3 में वहाँ पढ़ा करता था, तो लॉकडाउन में इसके दादाजी जो कि एक खुद रिटायर्ड टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, वो इसको बहुत अच्छे से गाइड करते थे और बहुत अच्छे से इस पर काम किए, और हम लोग को मिला तो हम लोग उस समय ही बोले थे कि बच्चा बहुत अच्छा है, यह रिजल्ट दे सकता है। तो ये बच्चा हमारे यहाँ आया, लॉकडाउन में आया 3 क्लास में, इनफैक्ट यानी 3 जो भी अपने दादाजी से सीखा सो 3 और 4 में एक साल हमारे यहाँ पढ़ा और इस पर रिजल्ट दिया है। बहुत बच्चे 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस बच्चे के लिए और हम सभी के लिए और इनके अभिभावक के लिए और पूरे समाज के लिए बड़ी मतलब प्रेरणादायक ये बच्चा है,
है ना, ये हमारे स्कूल के सभी बच्चों के लिए मोटिवेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे दादाजी हैं, बउवा के दादाजी हैं, दादाजी से भी आप मिलिए, जिन्होंने इस पर भी काम किया हुआ है बचपन में, है ना। हम चाहेंगे उनसे भी आप बातचीत कीजिए। स्वर्यदीप के दादाजी हैं और ये भी टीचर रह चुके हैं। कितनी खुशी है आज आपके पोता जो है वो पूरे 18 बच्चे में से एक इनका भी नंबर आया, तो कितनी ज़्यादा खुशी आपको लग रही है? खुशी है, अपार खुशी है, नहीं क्या है, इस खुशी का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। वास्तव में लगा शुरू से हम ही गाइड करते थे इसको, बस उस इंग्लिश और मैथ का बेस हमने बनाया था इसको। ये 3 क्लास में है पढ़ता था तो आया, और पढ़ने में शुरू से ही अच्छा रहा है, बेस चूँकि बना दिए थे इससे अच्छा था। और लेकिन यहाँ के शिक्षक लोगों का योगदान ही कहिए, शिक्षक लोग जितने डायरेक्टर ग्रुप है, टीचर ग्रुप हैं, स्वयं क्लास में इस पढ़ाते थे और बच्चा से मेहनत कराते थे। मैं आता था तो इन लोगों से कहता था जो इतना मेहनत छोड़ो, अभी 10 साल इस बच्चे का, 11 नवंबर को इसका 10 साल पूरा। हम कहते थे जो जितना छोटे भाई इतना लोड मत दीजिए, इतना मेहनत मत करवाइए, लेकिन ये लोग स्वयं मेहनत करते थे और कराते थे। मैंने इसका माने हम आश्चर्य, हम भी गवर्नमेंट टीचर रहे हैं, हेडमास्टर रहे हैं, DDO रहे हैं, 1976 के बहाल हम टीचर थे, उस समय 7-7 घंटे में स्वयं पढ़ाता था मैथ इंग्लिश, उस ज़माने के टीचर हम रहे हैं। लेकिन इन लोगों के परिश्रम को देख करके हमको आश्चर्यचकित होना पड़ता था जो इतना टीचर मेहनत करता है। इन लोगों को कहते थे छोट बच्चा है इतना मेहनत नहीं कराइए, अरे बच्चा भी काफ़ी मेहनत किया, इन लोगों के मेहनत को क्या कहा जाए, ये तो अभूतपूर्व मेहनत। अभी 10 साल इसका पूरा हुआ है, 11 नवंबर को ही 10 साल पूरा हुआ है, रिजल्ट ले लिया। बिल्कुल, तो खुशी तो परिवार वालों में होगी ही, क्योंकि दादाजी है स्वर्यदीप के और स्वर्यदीप के पिताजी आप हैं, आपको कितनी खुशी है? सर बहुत खुशी है, अब पूरे मुजफ्फरपुर में सिंगल रिजल्ट लाया है, इसका श्रेय सबसे पहले वरदान स्कूल को जाता है। जितने भी सर हैं इसके बहुत ही लगन से, तहे दिल से वो लोग मेहनत करते हैं और सभी बच्चे के पीछे लगे रहते हैं। ये नहीं कि यहाँ सिर्फ उसको पढ़ा देना है और छोड़ देना है, दिन रात लगे रहते हैं, 11 बजे रात तक ये लोग उनके साथ सभी बच्चों के साथ मिल के मेहनत करते हैं। वरदान स्कूल का रिजल्ट आया है, ये वरदान नहीं, ये मुजफ्फरपुर के लिए वरदान है, और एक ऐसा स्कूल जहाँ पर इसके डायरेक्टर लोग इतने अच्छे कोऑपरेटिव हैं और बच्चों के अंदर जो विकास है उस विकास को पूरा विकास करना चाहते हैं, जिसके वजह से स्कूल समझिए कि एक वरदान बना हुआ है। हमारे बच्चे जब से स्कूल की स्थापना हुई है तब से हमारे बच्चे यहाँ रेगुलर पढ़ रहे हैं, और एक बच्चा अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाला है, जो मैं उसका ग्रोथ देख रहा हूँ, तो वाकई में ऐसा स्कूल, ऐसी संस्था हमको अभी तक नज़र नहीं आई मुजफ्फरपुर शहर के अंदर। इस संस्था के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ के डायरेक्टर जो हैं उनका मैं कोटि कोटि नमन करूँगा, जितना उन्होंने अपने लगन और मेहनत से और नेक इरादा से यहाँ तक इस स्कूल को लाए हैं। स्कूल को स्थापित हुए काफ़ी देर नहीं हुआ, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से लगता है कि स्कूल 10-20 साल पहले क्यों नहीं आया। इस स्कूल को 10-20 साल पहले आने से ये होता कि इस शहर का और भी नाम गौरव से लिया जाता। खैर, आगे की जो प्रक्रिया है, हमारे पूरे जिला में यह पहला रिजल्ट आया है और पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। मैं इस स्कूल के लिए शब्द में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना ही कहूँगा कि जिस इरादा और जिस नेक दिली से इसके स्कूल के डायरेक्टर और टीचर लोग काम कर रहे हैं, न जाने कब यह नंबर 1 पे यह स्कूल होगा, ये बहुत दिनों की बात नहीं होगी, ऐसा ही मैं सोचता हूँ। इस तरफ अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर स्कूल का कैंपस है, और बाहर की तरफ चलेंगे जहाँ पर आपको पूरी तरह से स्कूल का सामने अगर देखेंगे तो ये स्कूल का बोर्ड आपको दिख जाएगा। इस तरफ की बात करेंगे तो स्कूल का बोर्ड भी आपको दिखेगा, ये स्कूल का पूरा बोर्ड है, ये कैंपस है, हॉस्टल की सुविधा है। इस तरफ की अगर बात करेंगे, और माता जी इधर आइए, बच्चे की माता जी है स्वर्यदीप की, कितनी ज़्यादा खुशी है? बहुत ज़्यादा सर, बहुत खुशी है, और सबसे बड़ी बात है कि मेरा बच्चा सक्सेस हुआ है, तो आज सभी टीचर्स को कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू, क्योंकि एक बच्चा जब सक्सेस होता है तो टीचर को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं भी एक टीचर हूँ इसलिए मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि एक बच्चा सक्सेस होता है तो बच्चे जितने खुश होते उतने ज़्यादा
सक्सेस, उसके टीचर्स खुश होते हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू. बिल्कुल बिल्कुल. आप टीचर भी हैं और आपको क्या लगा कि मतलब कि वरदान प्रेप इस परे स्कूल में जो हम लोग जाके दाखिल कराए अपने बच्चों को, कैसा मतलब कि और भी सारे बहुत सारे स्कूल यहाँ पे हैं मुजफ्फरपुर में, लेकिन यही क्यों? यहाँ जब हम लोगों को उसका एडमिशन कराना था तो लगा कि कुछ बेहतर है, यहाँ बढ़िया है, कुछ नया मिलेगा. और सर लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, जो एक्चुअली बात है, बहुत मेहनत करते हैं बच्चों पे. बस ऐसे ही कुछ देख के बच्चों को हमने डाला और हम लोग जिस आशा से बच्चों का एडमिशन करवाए पूरी हुई. यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वरदान स्कूल में वरदान मिल गया कोरोना काल में आपके बच्चों को. जी जी, जी. बिल्कुल सही बोला है. बिल्कुल. तो वरदान नाम भी है और कोरोना काल लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर वरदान मिला है. आप ये कह सकते हैं क्योंकि पिछले बार भी हमने आया था तो कोरोना काल के समय यहाँ पर जो बच्चे हैं कोरोना काल के समय, आप ये कह सकते हैं जहाँ पर पढ़ाई लिखाई की कोई सुव्यवस्था नहीं रहती थी, उस समय यहाँ के बच्चों ने रिजल्ट में अपना परचम लगाया है. इस तरफ की तस्वीर दिखाएंगे तो देखिए यहाँ पर कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर इसको सजाया गया है. जो बच्चे हैं, जो बच्चे पास किए हैं स्वर्णदीप, पूरी तरह से एडमिट कार्ड को यहाँ पर प्रिंट आउट करके यहाँ पर लगाया गया है कि कोई अगर लोग अगर आए तो यहाँ पर एडमिट कार्ड को भी देख सकते हैं. एडमिट कार्ड पे नंबर होता है और रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ स्कूल जो है वो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, जो आप तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं. चार डायरेक्टर्स हैं यहाँ पर, चार डायरेक्टर यानी कि चार सर खुद ब खुद अपने में है और चारों सर हैं. सबसे पहले बात करेंगे तो अविनाश सर से बात करेंगे. आप पिछले बार भी आपसे मिले थे, इस बार ही मिल रहे हैं, कैसे तैयारी कराते हैं बच्चों को? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस टॉपिक को एक बार फिर से हमारे सामने लाएं. जहां तक रही बात तैयारी कराने का, तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ऑनेस्ट लेबर नेवर गोज इन वेन, मतलब कि ईमानदारी से की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है. हम चार लोगों का जो टीम है, साथ में जो भी सपोर्टिंग टीचर का टीम है, हम लोग बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, कोशिश करते हैं जो जेन्युइन बात है उस बात को रखा जाए, पेरेंट्स से लगातार बातचीत किया जाए, बच्चों से बातचीत किया जाए, बच्चों को मोटिवेट किया जाए. कभी कभी ऐसा होता है कि ये एग्ज़ाम बहुत टफ लेवल का एग्ज़ाम है, एक छोटे बच्चों के लेवल में बहुत टफ लेवल का एग्ज़ाम है, लेकिन बच्चा उस प्रकार का पिकअप नहीं कर पाता जो इस एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट होता है. उस समय कभी कभी खुद लगता है कि नहीं क्या हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है. वैसे समय पर अपने आप को मोटिवेट कर पाना, अपने टीम को मोटिवेट कर पाना आसान नहीं होता है, लेकिन मुश्किल काम को ही करना तो फिर अच्छा लगता है ना. अगर आप मुश्किल काम नहीं करेंगे तो फिर इतनी वाहवाही कैसी होगी. और इन बच्चों और ख़ासकर सौरदीप के लिए एक बात हम करना चाहते हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में दम होता है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है. तो निश्चित तौर पे इस जो सफलता है उसका पूरे श्रेय जो है, मैं वरदान प्रिय पब्लिक स्कूल के जो भी मैनेजमेंट टीम है उनको, अपने जो भी टीचर, जो भी प्रिपरेटरी सेक्शन में जुड़े सभी शिक्षक का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. लेकिन इसके साथ साथ जो सौरदीप के पेरेंट्स हैं वो भी प्रशंसा के पात्र हैं. आपको एक बार जानकर हैरानी होगी कि रात में 11 बजे अपने बच्चों को यहाँ से लेकर जाते थे. मैं बोलता था रात में 11 बजे तक आपका बच्चों का क्लास चलेगा, बोलते ठीक है सर कोई इशू नहीं है, मैं 11 बजे आकर मैं अपने बच्चों को लेकर जाऊंगा. तो बहुत खुशी हो रही है, मतलब इस खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है. मेहनत, लगन, बच्चों का मेहनत और यहाँ के जो शिक्षक है उनका मेहनत, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं. रत्नेश सर से बात करेंगे. रत्नेश सर आप बताइए अब क्या लग रहा है? पिछले बार हम आए थे यहाँ पर, पिछले बार भी रिजल्ट आया था मुजफ्फरपुर में और सब स्कूल से ज़्यादा बेटर यहाँ पर आया था. इस बार एक बच्चा का रिजल्ट आया है जो पूरे इंडिया में आप 18 बच्चे में से एक बच्चा का, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर. हम लोग का उत्साह और बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन. जो टीम मैनेजमेंट हम लोग का काम कर रहा है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही वो लोगों को साधुवाद है. और सभी चाहते हैं कि उनके बच्चे जो भी हैं सभी के सभी पास आउट हो जाए, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे हमारे पास होते हैं और स्कूल का और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते हैं. बिल्कुल. एक और सर है, सिद्धांत सर से बात करेंगे. सर जी कैसा लग रहा है अब पिछले बार के मुकाबले? काफ़ी आनंदपूर्ण जो है से कि ये रहा है हम लोगों का विद्यालय जो है और बच्चों का, ये जो खास करके सौर्यदीप जो है काफ़ी मेहनती की, बहुत मेहनती बच्चा है, बहुत मेहनत किया है यह. पूरे
पूरे रात दिन जो है जिसको बोलते हैं ना ट्वाइल बोन ब्रेकिंग लेबर जिसको बोलते हैं, गजब का उसके पास प्रतिभा है और कार्य करने की क्षमता उसके अंदर। और यही नहीं, हमारे और भी सारे बच्चे हैं जो किसी कारणवश असफल हो गए हैं, लेकिन वो काफ़ी अच्छे ढंग से मेहनत किए हैं। सफलता इस बार नहीं, अगली बार उनको भी मिलेगी, और सौर्यदीप के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बिल्कुल शुभकामनाएं हैं, और आने वाले जो बच्चे हैं उनको भी शुभकामनाएं। सर से जानेंगे, सर जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो आगे चल के अगर जाना चाहते हैं, सैनिक में जाना चाहते हैं, मिलिट्री में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश होगा आपका? यही संदेश है सर कि जो भी बच्चे सैनिक स्कूल या आर्के मिशन या मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, वे अगर रूट लेवल से काम करें, यानी मतलब बेसिक को पकड़ के अगर काम करें, पढ़ाई करें अपने हैं या कहीं भी हमारे विद्यालय में या कहीं भी पढ़ाई करें, अगर बेसिक को कंप्लीट करके चलेंगे तो उनका रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा। रिजल्ट के लिए यानी किसी भी कंपटीशन को पास करने के लिए कोई सर्टेन गाइड नहीं है, कोई सर्टेन किताब नहीं है जिसको पढ़ के बच्चा पास कर सकता है। मुख्य रूप से वो अपना जितना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा उतना ही बच्चे का रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। आपको पहले भी बताया गया था कि इस विद्यालय की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है, या हमारे अभिभावकगण भी बताए हैं आपको कि यहाँ पे जो भी फाउंडर मेंबर हैं वे स्वयं क्लास लेते हैं। ऐसा जनरली होता नहीं है, सभी स्कूल में सभी के डायरेक्टर्स नहीं पढ़ाते हैं वैसा, मतलब कुछ स्कूल में ऐसा होता होगा कि उनके डायरेक्टर्स भी पढ़ाते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ ये निश्चित रूप से होता है। इसमें चार फाउंडर मेंबर हैं जो कि चारों लोग पढ़ाते हैं, स्वयं टीचर टीचिंग करते हैं, और हमारे विद्यालय के आगे बढ़ने का सबसे बड़ा ये कारण है कि विशेष यहाँ पर चार चार डायरेक्टर, चार चार साल है। त्रिमूर्ति का नाम आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर त्रिमूर्ति नहीं, चार मूर्ति है, और चार मूर्ति मिलकर पूरे इस वरदान को वरदान के तरह चला रहे हैं, और जो जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं उनको वरदान मिल रहा है। कोरोना काल से लेकर कोविड का जो समय था उस समय से यहाँ पर यहाँ के बच्चों को वरदान मिला है। मुजफ्फरपुर के जो बच्चे यहाँ पर एडमिशन लिए हुए हैं उन सभी बच्चों को यहाँ पर वरदान मिला है, और आगे भी देखना होगा कि आगे भी कैसा रिजल्ट आता है। ये हमारा दूसरी बार है इस स्कूल में, अब आगे देखना होगा कि यहाँ का रिजल्ट और कितना बेटर होता है। तब तक के लिए बने रहिए बिहार लाइव नाउ न्यूज़ के साथ। मैं अभिषेक रंजन अपने सहयोगी संजय के साथ आपसे लेता हूँ विदा, नमस्कार। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9934753111। लेटेस्ट और ठोस फर्नीचर खरीदना हुआ आसान अफजल फर्नीचर से, यहाँ आपको मात्र 34,500 में पूरा फर्नीचर सेट मिलेगा। स्टोर स्थित है मुजफ्फरपुर के नरसंदा चौक पर। ऑर्डर करने के लिए अभी संपर्क करें 9931485437 पर।